मुलाकात वो है जिसकी उम्मीद से रिश्तों में बेकरारी बनी रहती है और दूरियों के दर्द को राहत मिलती है। जिस प्रकार पेड़ पौधे को उगाकर भूल जाने से वो पौधा या पेड़ सूख जाते हैं, वैसे ही कोई भी रिश्ता बनाओ लेकिन उस रिश्ते को निभाने के लिए मुलाकात का होना भी जरूरी है। आपने भी किसी न किसी से कभी न कभी तो मुलाकात जरूर की होगी। आदर, अभिनंदन, आभार आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में, जहां आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं एक मोटिवेशनल कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है मुलाकात। इस दिल को छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखें और सुने, उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये कहानी है स्कूल के चार करीबी दोस्तों की, जो आंखों को नम कर देगी। और उन चारों दोस्तों के लिए दिल से सिर्फ यही निकलता है कि दोस्ती कोई खोज नहीं होती, दोस्ती हर किसी से हर रोज नहीं होती। अपनी जिंदगी में हमारी मौजूदगी को बेवजह मत समझना, अपनी जिंदगी में हमारी मौजूदगी को बेवजह मत समझना, क्योंकि पल की आंखों पर कभी बोझ नहीं होती। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कहानी मुलाकात। स्कूल के चार करीबी दोस्त जिन्होंने एक ही स्कूल में 12वीं तक पढ़ाई की। उस समय शहर में इकलौता लग्जरी होटल था, गुप्ता होटल। तो 12वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि हमें उस होटल में जाकर चाय नाश्ता करना चाहिए। उन चारों ने बमुश्किल 40 रुपए जमा किए। रविवार का दिन था और 10:30 बजे वे चारों साइकिल से होटल पहुंचे। उन्हें देखकर सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका, लेकिन एक वेटर उन्हें अंदर ले गया। उसका नाम हरिराम था। दिनेश, संतोष, मनीष और प्रवीण चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे और बातों बातों में उन चारों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 50 साल बाद हम 1 अप्रैल को इसी होटल में फिर मिलेंगे। तब तक हम सबको बहुत मेहनत करनी चाहिए और ये देखना दिलचस्प होगा कि हम में से किसने कितनी मेहनत की है, तरक्की की है। जो दोस्त उस दिन बाद में होटल आएगा और सबसे आखिरी में होटल आएगा, उसे ही उस समय के हिसाब से होटल का बिल देना होगा। वेटर हरिराम ये सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहां रहा तो मैं इस होटल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। चारों बच्चे साइकिल से वापस अपने अपने घर की तरफ चल दिए और आगे की पढ़ाई के लिए चारों ने अपने अपने अलग अलग रास्ते तय कर लिए। दिनेश के पिता का ट्रांसफर हो जाने से वो शहर छोड़ चुका था। संतोष भी आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। अब शहर में मनीष और प्रवीण रह गए। दोनों ने शहर के अलग अलग कॉलेजों में एडमिशन लिया और आखिरकार मनीष भी उस शहर को छोड़कर चला गया। दिन, महीने, साल बीतते गए और 50 साल बाद उस शहर में भी काफी कुछ परिवर्तन आ चुका था। शहर की आबादी बढ़ी तो सड़क, फ्लाईओवर और महानगर ने उस शहर की सूरत को भी बदल दिया और अब वह सस्ता गुप्ता होटल 5-स्टार होटल में बदल गया था। और ईमानदार वेटर हरिराम अब हरिराम सेठ बन गया, इस होटल का मालिक। 50 साल बाद निर्धारित तिथि पर 1 अप्रैल को दोपहर में होटल के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। कार में से दिनेश उतरता है और पोर्च की ओर चलने लगता है। दिनेश के पास अब 3 ज्वेलरी शोरूम है। उसी समय एक व्यक्ति उसे ले जाकर होटल के मालिक हरिराम के पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब हरिराम ने कहा कि प्रवीण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया है। दिनेश मन ही मन खुश था कि वो चारों में सबसे पहला था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा। वह इसके लिए अपने दोस्तों का मजाक उड़ाएगा। 1 घंटे बाद संतोष आया। संतोष शहर का बड़ा बिल्डर बन गया था और अपनी उम्र के हिसाब से
वो अब एक बूढ़े सीनियर सिटीजन की तरह दिखने लगा था। अब दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। इतने में तीसरा दोस्त आधे घंटे बाद आया। उससे बात करने पर उन दोनों को पता चला कि मनीष भी बिजनेसमैन बन गया है, तीनों का स्कूल छोड़ गया। तीनों मित्रों की आंखें अब बार बार दरवाजे पर जा रही थी कि प्रवीण कब आएगा। इतने में हरिराम सेठ ने कहा कि प्रवीण सर की ओर से एक मैसेज आया है कि आप सब चाय नाश्ता शुरू करो, मैं पहुंच ही रहा हूं। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे से मिलकर खुश थे। घंटों तक मजाक चलता रहा लेकिन प्रवीण नहीं आया। हरिराम सेठ ने कहा कि फिर से प्रवीण सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेनू चुनकर खाना शुरू कर दें। खाना खा लिया, गप्पे भी हो गई तो भी प्रवीण नहीं दिखा। थक हार कर होटल का बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो चुका है। वो तीनों आश्चर्य में रहे कि आया भी नहीं और बिल का भुगतान भी कर दिया, ये क्या बात हुई भला। खैर बुझे मन से शाम के 8 बज चुके थे। तभी एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे उन तीनों दोस्तों के पास जा पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। युवक कहने लगा कि मैं आपके दोस्त का बेटा रवि हूं, मेरे पिता का नाम प्रवीण भाई है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था, उन्हें इस दिन का इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए आप सबसे कहा, क्योंकि अगर मैं जल्दी निकल गया तो आप सब दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका दोस्त इस दुनिया में नहीं है, और वे एक दूसरे की मिलने की खुशी खो देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया था। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा। इतना कहकर रवि ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। ये सारा मंजर, ये सारा दृश्य आसपास के लोग उत्सुकता से देख रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। तभी रवि ने कहा कि मेरे पिता शिक्षक बने और मुझे पढ़ा लिखा कर उन्होंने कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूं। सब चकित थे। हरी सेठ ने कहा कि मुझे पता था, पर मुझे रवि ने मना कर रखा था आप तीनों को यह बताने के लिए, लेकिन आज मैं ये समझ गया हूं और आज ये दावे से कह रहा हूं कि अब 50 साल बाद नहीं, बल्कि हर 50 दिन में हम अपने होटल में बार बार मिलेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक भव्य पार्टी रहा करेगी। दोस्तों, अपने सगे संबंधियों से मिलते रहा करो, मिलने के लिए परसों का इंतजार मत करो, जाने किसके बिछड़ने की बारी आ जाए और पता ही ना चले। इसलिए मित्रों के साथ रहो और अतुलनीय खुशी महसूस करो कि मुझे पता नहीं कि मैं एक बेहतर दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनके साथ मेरी दोस्ती है वे बहुत बेहतरीन हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इस अतुलनीय खुशी को महसूस करें और अपने चेहरे पर ये मुस्कुराहट बनाए रखें। तब तक नमस्कार।